हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी एजुकेशन। डीआई सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 3 मेंस एग्जामिनेशन के डीआई हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं जो इस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में। तो इस सीरीज में आपको मैक्सिमम या सब टाइप के मैं यहाँ पर ड्राई करा दूँगा, ताकि जो अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए आपके लिए जो डीआई के सेक्शन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कर पाओगे बहुत आसानी से। मैं इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर करा दूँगा कि आप एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सारा जो स्टडी मटेरियल है वो करंट अफेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज, साथ के साथ रीजनिंग का सब आपको मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं SBI को किस तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है या समझना है। इसमें सबसे पहले हमको DI में क्या करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। तो ये आप हमारे साथ मिक्स दिया है, इसमें एक हमारा ये पाई चार्ट दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। द बार ग्राफ गिविन बिलो गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स ABCDE इन 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी इन द एग्जामिनेशन। तो आपको जो ये ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ, इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो 5 स्टूडेंट हैं ABCDE, तो इनके जो 5-4 सब्जेक्टों में नंबर हैं, जैसे ए है ये ए के नंबर, जैसे ये बायोलॉजी ऊपर वाला हो गया हमारा कितने नंबर हैं, मैथ में कितने नंबर हैं, केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं, और यहाँ पे फिजिक्स में कितने नंबर हैं। तो हर कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार बी के यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट में बी के यहाँ पे कितने नंबर हैं, 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट के अलग अलग 4 सब्जेक्ट हैं इन सबके पास, और अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे नंबर आपको दिए हुए हुए हैं। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता था, जैसे इस तरीके से कटा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे 40 लिखा हुआ, 120 लिखा हुआ ना लिखा हुआ होकर सीधा यहाँ से लिखा हुआ होता। ठीक है, उस तरीके से भी आपका ये ग्राफ हो सकता था, उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम में तैयार रहना है। तो अब दूसरा आप देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, अभी पाई चार्ट में क्या कह रहा है। द पाई चार्ट गिवन बिलो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ओवर द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स में जो सब्जेक्ट हैं उसमें यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे ये टोटल मार्क्स हमारे 500 हैं। ठीक है, 500 टोटल मार्क्स हैं, तो 500 में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कितना 20%, यानी कि 500 का 20% 100 होता है, तो फिजिक्स में 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी में 20% दिया हुआ परसेंटेज में है, तो 500 का 20% यानी कि 100 मार्क्स यहाँ पे केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। उसी प्रकार बायोलॉजी में यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैथ में यहाँ पे 40% दिया हुआ यानी कि 200 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। टोटल यहाँ हमारे क्या हैं, 5000 यहाँ से मार्क्स हैं। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी हुई है तो उसको फिर से यहाँ से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, किस तरीके से हमको क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। हमको ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहा था। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय द बी के द्वारा टोटल नंबर मार्क्स ऑप्टेन करे गए हैं, इच हाउ मच मोर देन दैट बाय द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड लोवेस्ट इन द ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। कह रहा बी ने सभी सब्जेक्ट में जितने मार्क्स प्राप्त करे हैं वो जो लोवेस्ट नंबर जो प्राप्त करे हैं इन सब में उससे कितने ज़्यादा हैं, ये हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, अभी टोटल मार्क्स तो हमको ये हुए हैं। ठीक है, अभी मैक्सिमम मार्क्स का कोई चक्कर है नहीं इसमें, इसका तो कोई यूज़ है नहीं अभी ग्राफ का, अभी हमको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं बी के चारों सब्जेक्ट में, वो इन सभी में जिसके लोवेस्ट मार्क्स हैं, जिसके सबसे कम नंबर हैं उससे कितना ज़्यादा हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अभी सबके मार्क्स यहाँ से निकालने होंगे। ठीक है, तो सबके मार्क्स निकाल लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आगे वाला क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ सभी के मार्क्स की ज़रूरत आगे पड़ रही होगी। आपको सबके निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये डेटा काम में आ जाएगा, तो आपको अच्छे से लिखते हुए चलना है। मेंस एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, अभी आपको पूरे मैक्सिमम अटेम्प्ट में नहीं भागना होता है, आपको अच्छे से करना होता है जितना आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम में करना होता है। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबके मार्क्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितने कितने यहाँ पे सबके मार्क्स आ रहे हैं, तो उसी से हमको पता चल जाएगा
कि किस तरीके से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, ठीक है, ए की जोड़ लेते हैं, वैसे जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, 8 और 6 14, 14 और 5 19, और 19 और 15 होते हैं 34, यानी कि 340 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ए के जो हमने जोड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे बी के जोड़ूँ, भाई बी के किस तरीके से जोड़ने हैं, ठीक है, बी के यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे, किस तरीके से जोड़ना है बी के मार्क्स। यहाँ 65 दिया हुआ है तो इसको 60 मानता हूँ मैं, ठीक है। आगे 75 दिया हुआ है तो इसको 70 मानूंगा। यहाँ पे 180, इसे 18 मांगूंगा, इसको इसको 40 मानूंगा, ठीक। तो जोड़ लेंगे, हमारे यहाँ से जाएगा 360। तो कैसे जोड़ा अभी मैंने, जोड़ने का तरीका बता देता हूँ भाई। सबसे पहले ये बड़ा है, 18 माना है, 18 और 4 ये 22, 22 और 7 29 होते हैं, और 29 और 6 होते हैं 35। 35 तो ये हो गया हमारा, लेकिन 75 ये था, 65 ये था, मैंने 60 60 माना, तो 10 और जोड़ लेंगे, कितना जाएगा 36, यानी कि 360। इस तरीके से हमने इसको जोड़ा है, इजीली इसको आराम से जोड़ पाएंगे। तो मैंने ए का बता दिया है, ए का आ गया हमारे पास 340, बी का मैं निकाल चुका हूँ, बी के टोटल मार्क्स हमारे पास आए हैं 360। उसी प्रकार यहाँ जोड़ लेंगे, सी के जोड़ लेते हैं, सी के यहाँ पे कितने मार्क्स दिए हुए हैं, अभी 9 है, 9 यहाँ पे दिया हुआ है, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 और 8 5 13, ठीक है, 240, 250, 253, सी के यहाँ से हो जाएंगे 253 नंबर हो जाएंगे, 253। उसी प्रकार हम डी का जोड़ लेंगे, ठीक है, जो डी का जोड़ेंगे तो 335 यहाँ से आ जाएगा डी का जोड़ने पर। उसी प्रकार हमें ई का यहाँ पे जोड़ना है, ई का कैसे जोड़ेंगे, अभी ये है 5 और 4 19, 19 और ये 14 दिया हुआ है, ठीक है, 19 और 14 ऐसे जोड़ेंगे, 19 और 10 29, 29 और 4 33, और यहाँ पे एक जो है, ठीक है, 34, यानी कि 340। इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ा है। तो ये तो सबसे कम किसके नंबर है यहाँ पे, अभी सबसे कम यहाँ पे जो हमें नंबर दिखाई दे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो सबसे कम आपको यहाँ पे देखने को लग रहा होगा, जो सबसे कम नंबर यहाँ पे 253 है, 253 सी के हैं। तो हमसे पूछ रहा है द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द बी, बी ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं अभी, तो बी के यहाँ से आए हैं 360 है, 360, 360 नंबर बी के आए हैं, और जो सबसे कम है उससे कितने ज़्यादा है, सबसे कम है 253, 253। अभी 253 360 है घटाएंगे, 107 यहाँ से आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 107 कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है 107, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये डेटा आपको बिल्कुल सेव करके रखना है, अपने रफ शीट पर लिख लेंगे, इसको आगे काम देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से हमको यहाँ पे करना है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी होगी, जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कहूँगा, थोड़ा सा समझने की बात, अगर समझ में आ गया तो एकदम हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने की यहाँ पूरी कोशिश करूंगा। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया तो यहाँ तो मैं समझा ही दूंगा आपको। देखिए जरा क्या कह रहा है ये हमसे यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया 1-0। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, जो मैंने पीछे कराया है 1-07, आपको उसको डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको समझ लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट स्कोर लेस देन 35 इन एनी सब्जेक्ट और ओवरऑल सब्जेक्ट, यदि कोई विद्यार्थी किसी पर्टिकुलर किसी सिंगल सब्जेक्ट सब्जेक्ट में या ओवरऑल सब्जेक्ट में 35% से कम नंबर लाता है, देन ही विल बी डिक्लेयर एज फेल, तो वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल देखते थे, अब इंडिविजुअल सबसे पहले मैंने पीछे आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में, वो क्या बताया था, सबका मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लिए थे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, अभी यहाँ पे 500 हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं। तो 500 में से किसी के नंबर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 35%, 35% कितना हो जाएगा अभी 35 का, देख लेते हैं, 35 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25, 5 6 15, 16 17, तो ये 175 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल जो हमें 35% से, अगर हम ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें, सारे सारे सब्जेक्ट की बात करें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल टोटल हमारे पास जो पूर्णांक है वो 500 का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर हैं ये 500 में से हैं, इसके बी के नंबर यहाँ पे 500 में से हैं, सी के नंबर यहाँ पे 500 में से हैं, डी के नंबर यहाँ के 500 में से हैं, टोटल ये चारों सब्जेक्ट के मिलाकर, ई के चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 500 में से नंबर हैं। तो पीछे हमें यहाँ पे देखिए, पीछे यहाँ पे किसी कैंडिडेट के नंबर 175 से कम है, नहीं है ना, सब कैंडिडेट के नंबर 175 से ज़्यादा है, यानी कि सब कैंडिडेट ने जो नंबर हैं
वो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 35% से ज़्यादा प्राप्त करे हैं, सब कैंडिडेट ने ओवरऑल जो नंबर हैं वो 35% से ज़्यादा प्राप्त करे हैं, ठीक है, ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो। लेकिन आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट देख लेते हैं, अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी। तो ओवरऑल तो कोई है नहीं, अब इंडिविजुअल देखते हैं, अब इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे भी, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ए के पास हमारे पास ए ये है, यहाँ पे ए देखिए जरा, ए को समझने की कोशिश करना। ए में जो ये फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स में उसने 80 नंबर आए, ग्रीन वाला दिया हुआ है। उसी प्रकार ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में उसके नंबर आए हैं 60। आगे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में जो नंबर आए हैं वो आए हैं यहाँ पे 150। और यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ यानी कि बायोलॉजी में जो नंबर आए हैं वो 50 आए हैं। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने पीछे बताए थे भाई, केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, क्योंकि 20% है 500 का, ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स का परसेंटेज दे रखा है, ये कितने में से हैं, 500 में से। फिजिक्स में कितने हैं भाई, 100 है यहाँ पे भी, बायोलॉजी में भी 100 है, और यहाँ पे मैथ में 200 मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। अब बताओ इसमें किसी के नंबर मैथ में ये है हमारे पास, अगर मैं यहाँ 35% की मार्क्स बात करूँ तो 35-35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमें 35 नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें 35 नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें 35 नंबर चाहिए, और यहाँ पे 35 गुनी 70 नंबर चाहिए, 35%, ठीक है। अब देखो जरा कोई कैंडिडेट ऐसा है, अगर सबसे पहले बात करते हैं 35-35 नंबर क्वांट को छोड़कर, देखो भाई एक ही अगर यहाँ पे बात करी जाए तो देखिए जरा कोई कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ यही बचता हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ सी बचता है। सी के यहाँ मैथ में 68 नंबर हैं, लेकिन सी को मैथ में 68 नंबर अगर यहाँ पे चाहिए, 70 कितने चाहिए, मैथ में 70 नंबर चाहिए, 200 में से हमें अगर 35% लाने हैं तो 70 नंबर चाहिए, लेकिन सी के यहाँ मैथ में 68 नंबर हैं, सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, बाकी कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है। इस सवाल को मैं फिर से समझाने की यहाँ पे कोशिश आपको करूँगा। अब जरा मैं इसको समझा देता हूँ सवाल को, आगे क्या दिया हुआ है, ये रखा है फ्रॉम द पाई चार्ट मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स बराबर केमिस्ट्री का मैक्सिमम मार्क्स बराबर बायोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 20% और 500, यानी कि 100 मार्क्स इसमें मैक्सिमम हो गए, और मैथ में जो है मैक्सिमम मार्क्स 40%, यानी कि 200 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैथ में देखो भी 200 मार्क्स है मैक्सिमम, लेकिन अगर इसका 200 का 35% कितना होता है, 70, तो मैथ में देखो 70 से किसके नंबर कम हैं भाई, यहाँ पे मैथ में ज़्यादा हैं 70 से, यहाँ भी ज़्यादा हैं, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा, मैथ में 70 से यहाँ कम है, तो मैथ में तो ये कैंडिडेट हो गया एक। अब देख लेते हैं बाकी के 35 से कम किसी के नंबर है क्या मैथ के अलावा, क्योंकि बाकी तो 100 में से अगर 35% की बात करेंगे तो 35 होगा, तो यहाँ पे 35 से ज़्यादा है, बाकी सब में 35 से यहाँ पे ज़्यादा हैं, सिर्फ मैथ में ही यहाँ पे नंबर कम है, वो भी सी के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, एक कैंडिडेट है, डी मतलब डी बराबर एक, एक एक कैंडिडेट दे रखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है ये, आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक वीडियो हो गया, समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर ओवरऑल अबव द 70% देन हिज डिवीज़न विल बी एफ सी डी, एफ सी डी मतलब फर्स्ट क्लास विद डिटेंशन, हाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैव एफ सी डी। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सभी सब्जेक्टों को मिलाकर जो कैंडिडेट 70% से ऊपर नंबर प्राप्त करता है, कितने में से, 500 में से, उसको डिक्टेंशन यहाँ पे मिलता है, क्या आता है उसका यहाँ पे डिक्टेंशन आता है, कोई क्वेश्चन है पिछावर पुराना ही क्वेश्चन है, उसको डिक्टेंशन यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका यहाँ पे डिक्टेंशन आया है, तो देखिए पीछे हम ऐड कर चुके हैं, मैंने शुरू में बताया था ऐड कर चुके हैं, ए के जो ओवरऑल नंबर थे वो 340 थे भाई, उसी प्रकार अगर हम बी की बात करें तो बी के नंबर थे 360, सी के जो मार्क्स आए थे हमारे वो आए थे 253, सी ने जो मार्क्स ऑप्टेन किए थे वो 253 किए थे, उसी प्रकार अगर हम ई की बात करें तो ई के जो मार्क्स आए थे, इसमें डी रह गया, डी के जो मार्क्स आए थे वो आए थे 335, उसी प्रकार ई के जो मार्क्स आए थे 345 आए थे, 340 थे सॉरी। अब यहाँ पे बात करें 70%, तो 500 का 70% कितना होता है, 500 × 70/100 यानी कि 350 यहाँ से होता है। तो देखो अभी 350 या 350 से ज़्यादा कितने कैंडिडेट के नंबर हैं, भाई ये तो नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट का डिटेंशन आई है, यानी कि एफ सी डी सिर्फ एक ही कैंडिडेट का यहाँ पे आया है, वो भी कौन सा कैंडिडेट है, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से 360 आया है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा कितने हैं, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, एक ही कैंडिडेट है, तो ई ऑप्शन में एक कैंडिडेट दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ई हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी।
चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये वही सॉल्यूशन है इसका जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारे कैंडिडेट के मार्क्स दिए हुए हैं ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो आंसर था तो सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट बी हैज़ स्कोर अबव द 350 मार्क्स, यानी कि अबव द 70%। आगे देख लेते हैं, इसमें ये कह रहा है, इस बात का ध्यान रखना आपको यहाँ पे, मैं बताना भूल गया था, इसमें कह रहा है अबव द 70%, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 350 से ज़्यादा होने चाहिए थे, अगर 350 होते तो माने नहीं आता, अगर होता 70% और अबव तो हम इसको काउंट करते। माना कोई कैंडिडेट था, यहाँ से देखिए ज़रा, अगर कोई कैंडिडेट या माना ये था ए, ए इसके 350 आ जाते यहाँ पर ठीक है, ये ना होगा 350 होते तो भी हमारा आंसर कितना होता, एक ही होता। वो कह रहा है जो अबव होने चाहिए 70% से अबव, क्या है 350.1 हो या 0.1 हो, समझ में आया, लेकिन 350 नहीं 70% से अबव की बात कर रहा था। यहाँ तक बात क्लियर थी, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स डिड ए स्कोर इन द एग्जामिनेशन, ए ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं अपने एग्जाम में, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए जरा पीछे, ए ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, यहाँ पे हमने जोड़ तो रखे हैं 340, यहाँ पे ए ने मार्क्स ऑप्टेन किए हुए हैं, ए ने मार्क्स ऑप्टेन किए हैं 340, टोटल कितने में से 500 में से इंटू 100, यहाँ तक क्लियर हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से 5×6 30 5×8 40, यानी कि 68% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, 68% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया ठीक है। इसमें एक ही सवाल ट्रिकी था सेकंड नंबर का, बाकी सब इजी सवाल थे, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देख लेते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स। भाई जो विद्यार्थियों के जो मैथ में नंबर आए हैं उनका हमसे एवरेज पूछ रहा है, भाई मैथ में यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ए के कितने आए हैं भाई 150 आए हैं, आगे 180 आए हैं, आगे 90 मार्क्स आए हैं, फिर आगे 120 और फिर 140, तो इस सब को जोड़ लेंगे और 5 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ज़रा क्या दिया हुआ है, ए के मार्क्स 150 आए हैं, बी के मार्क्स 180 आए हैं, मैथ में बात कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी जो स्टूडेंट हैं उनके मैथ में जो मार्क्स हैं उनका एवरेज कितना है। यहाँ पे सी के 68 आए हैं, डी के 120 और ई के 140, इसको जोड़ेंगे तो 658 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 131.65 यहाँ से आ जाएगा। अभी परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे ठीक है, क्या पूछ रहा है परसेंटेज में हमसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, तो चलिए किस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे ये, अब मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने भी टोटल, एवरेज हमने निकाल लिया, थोड़ा सा ये सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, देखिए जरा 131.65 यहाँ से आ गया, टोटल में कितने में से हैं 200 में से, इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 100 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया 5 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 आएगा फिर 8 आ जाएगा, तो 65.8% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी होगी, चलिए मैं इसमें यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे इसके ये जो आपको दिया हुआ है 131 इसके अपॉन कितना आना है यहाँ पे 20 इसके यहाँ पे आएगा ठीक है, अब इक्वल टू आ जाएगा हमारा 68.5% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।